तो कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन था ये तो पूरा चला गया। सर यहाँ पे मेरे साथ आजकल वो इस तरह के धोखे से बचने के लिए ही आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होता है। स्लोअर कार की स्पीड क्या है? साला धोखा। नमस्कार, विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु, द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता, आपका स्वागत करते हैं दो कारों की कथा में, जिसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक है ये। बिल्कुल। और ये कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 से उठाया गया क्वेश्चन है। सर ये टू कार प्रॉब्लम में क्या होने वाला है? कार में पता है क्या प्रॉब्लम है? बहुत लंबी कार है, बट इसका यूज जो है ना बहुत ही छोटा सा है। कहने का मतलब यह है कि टू मेनी डेटा आर समटाइम्स रिडंडेंट। क्या आप इस कोड वर्ड को डिकोड कर पा रहे? मेरे दिमाग को नहीं समझा। सर यहाँ पे मेरे साथ आजकल वो शेरलॉक होम्स खेलने लग गए, तो चलिए देखते सर क्या बोलना चाह रहे कि टू मेनी डेटा टू डिस्ट्रैक्ट यू। अगर आपने अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज इसको तुरंत से पहले जाके अटेम्प्ट करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमने चिपका रखा है क्वेश्चन को। और हाँ, वापस आने के बाद सबसे पहले इसको लाइक के बटन और शेयर के बटन के साथ अगर शुरू करेगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये रहा सर, ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है सर। चलो देखते हैं, पतली गली वाला क्वेश्चन है ये। मैं नहीं मानता। टू कार्स ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एट कॉन्स्टेंट स्पीड टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे टेक 1.5 आवर्स इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर बट 10.5 आवर्स इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ओहो, मतलब क्या? मतलब अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को फेस करके चल रही है हाँ, तो वो लोग 1.5 आवर्स में मिल जाते हैं, तो बट अगर दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। अगर तो एक कार यहाँ है C1 और एक कार C2 है, यस सर, वो अगर इधर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ओपोजिट डायरेक्शन में, तो डेढ़ घंटे में मुलाकात, 1.5 में, यस। अब सेकंड केस में क्या है, दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम है सर। एक कार C2 इधर जा रही है, राइट हैंड साइड में कार C1 भी जा रही है, हाँ। तो कभी ना कभी जाके C1 C2 को पकड़ेगी। हाँ, अगर C1 फास्टर है C2 से तो बिल्कुल, तो यहाँ पे उसे टाइम क्या लग रहा है? 10.5 आवर्स। यस सर। आगे का क्वेश्चन कहता है इफ स्पीड ऑफ द स्लोअर कार इज 60। सर C2 की स्पीड पता चल गई सर। C2 की स्पीड यानी कि स्लोअर वाले की। यस सर। ठीक है, तो C2 की स्पीड क्या हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे C2 की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर सर। और यहाँ भी 60 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस then the distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car, slower car yani C2, uh-huh. when it meets C1 traveling towards each other. Towards each other? Yani scenario 1 mein. Sir, aapne na slot 1 mein ek mast video dikhaya tha. Uh-huh. Mujhe lagta hai hum log agar uska rule use kare. But uska rule also tab use hota hai jab dono milne ke baad ka time given hai. हाँ, या तो दोनों को मिलने में टाइम लग रहा है वो गिवन है। ठीक है सर, फिर से तो फिर उसको अपना बेसिक वाला घोड़ा गिरी करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिंपल सा रूल लगाते हैं। चलो चलो करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो C1 की स्पीड मान लेते हैं V1 है सर, और C2 की तो स्पीड हमें 60 किलोमीटर पता ही है। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो मैं ये कहता हूँ कि C2 से 60 किलोमीटर और 1.5 आवर्स में कितनी दूर तय करके बैठा होगा? 90 किलोमीटर है ना, तो 90 किलोमीटर C2 चला लेफ्ट और C1 जो है सर वो चलेगा स्पीड क्या है? स्लोअर कार की स्पीड क्या है? 60 एंड 1.5 का मल्टीप्लिकेशन। दैट्स राइट, स्लोअर कार की स्पीड 60 है और डेढ़ घंटे में जाके उसे C1 से मिलती है, जब दोनों की ओपोजिट डायरेक्शन में, तो डेढ़ घंटे में 60 की स्पीड से कितना ट्रेवल करेगी? ओ भाई, मारो मुझे मारो। सर ये धोखा है सर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 390। चीटिंग करता है ये। सर ये तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो बाकी की जो डेटा इन्फॉर्मेशन लाइक ये 10.5 आवर्स या ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, दैट इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। इसकी कोई जरूरत थी क्या? मतलब ये लाइन मैं हटा भी दूं कि बट ये जो लाइन है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, सारी लाइन भी हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। दैट्स राइट, तो कई बार क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन था ये तो पूरा। तभी आप इंटेक्ट बोल रहे थे कि
जो दिखता है वो होता नहीं है अंशु। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन सर पता है मैं जब ये क्वेश्चन देख रहा था ना तो मुझे रियल क्वेश्चन लग रहा था ये। मुझे लग रहा था कि अगर मैं 10.5 किलोमीटर में मैच कर रहा हूँ वो भी हो जाएगा सॉल्व, राइट? बिल्कुल। बीच की डिस्टेंस पूछ देता, सी1 सी2 के बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या था, या फिर सी1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर दे मेट। यस, that also would have been maybe in the same direction as well as in the opposite direction. हाँ, same या opposite direction में C1 में कितना travel किया, ये एक अच्छा तब उसके लिए वो 10.5 का use होगा। तो फिर देखा आंखों में धूल झोंक दिया कैट वालों ने आपके। मैं तो चल पड़ा था भाई 10.5 का पूरा इक्वेशन सॉल्व वॉल्व करने के लिए, और सर ने मुझे बीच में ही रोक करके बोला रुको जरा, क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया था हमने, और फिर भी मैं कैलकुलेशन किए जा रहा था। इस तरह के धोखे से बचने के लिए ही आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह के छोटी छोटी गुरु मंत्र छुपे रहते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है उसको पूरा सॉल्व करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन की कहानी देख रहे होते हैं। तो अगर आप अभी तक भी टिके हुए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। स्वस्थ रहिए यार, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है हो जाएगा, आसान है हो जाएगा बोलते रहो 10 बार, आसान है हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो अपन दोनों बना डालेंगे उसको आसान। टेक केयर करिए, जय हिंद। म्यूजिक